ये मारा, ये मारा, ये मारा, कैसे मार रहा है यार, ये क्या कुश्ती है। लो जी, नेपाली पहलवान देवा थापा, दूसरा पहलवान ग्वालियर का, इसने बहुत चेता है भाइयों, बहुत चाटे मारे। इसका मतलब लियो थोड़ी गए बाहर का भाई, लड़ना कुश्ती तो कुश्ती के तरीके से करनी चाहिए। कुश्ती का टाइम रखा है जी 5 मिनट, 5 मिनट में देखा जी देवा थापा इस रह पावागा कना। कुश्ती स्टार्ट है जी। ग्वालियर का पहलवान है, मोटा है जो तकड़ा है, ये देवा थापा नेपाली पहलवान। कुश्ती बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, अब देखते हैं कौन जीतता है। दे मरा चेटा ग्वालियर के पहलवान ने। देवा थापा मजे ले रहा है भाई, अपने मजे में है हमारा देवा थापा पहलवान। नाक दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ तो शुरू करो। देवा थापा इस टाइम में पूरी फॉर्म में है और ये भाई पड़क बना लिया ग्वालियर के पहलवान ने और निपट गया और ये पटक दिया बहुत। अरे बाल बाल बचा है भाई देवा थापा पहलवान, बहुत बढ़िया पलटी थी। ग्वालियर का पहलवान बहुत तगड़ा पहलवान है जिसके सामने हमारा देवा थापा पहलवान बोना नजर आ रहा है। मजा लेती हुई पीछे देखो, बुड्ढे बुड्ढे लोग बहुत मजा ले रहे हैं भाई। एक पहलवान लगोट बांध रहा है और रहमान पहलवान चक्कर काट रहे हैं। रेफरी कुर्ता पजामा मास्टर जबरदस्त लग रहे हैं, आधा स्वेटर ऊपर चढ़ा रखा है। और भाई ये देवा थापा भी थोड़ा घोड़ी बन गई है, पीछे से हाथ मोड़ना शुरू कर दिया है ग्वालियर के पहलवान ने। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा मत चढ़ाना, ज्यादा चढ़ा दिया है भाई रेफरी। रोको भाई इसको, रोको, ज्यादा हाथ चढ़ा रहा है भाई रेफरी है। देवा थापा पहलवान ये बाल पकड़ के पीछे फेंक दिया है। देवा थापा को मौका ही नहीं मिला समझने का कि पहलवान क्या कर रहा है। और एक बार फिर देवा थापा पहलवान खड़ा हो गया है और ये फिर रपट मारा, ये फिर रपट। यार बहुत गलत बात है, कैसे मार रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है यार देवा थापा पहलवान के साथ। बीच में लड़ो भाई, बीच में बहुत ही खतरनाक लग रहा है ग्वालियर का पहलवान, बदतमीज हो रही है। एक बार फिर खड़े हो गए हैं दोनों पहलवान और ये बहुत ताकत बहुत है, बकरी का बच्चा लग रहा है देवा थापा पहलवान। इस पहलवान का तो दाव भी बहुत है भाई, कैसे फेंक फेंक के मार रखा है देवा थापा पहलवान को। मुझे नहीं लगता इस कुश्ती में देवा थापा पहलवान जीत पाएगा, मुझे जीत अभी तक बड़े पहलवान की ही दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ पता नहीं है। देवा थापा पहलवान बहुत खतरनाक पहलवान है, ये पहले बड़े पहलवानों को थका देता है। ये तो घुटना रख लिया है गर्दन पर, देवा थापा पहलवान बड़े पहलवान को पहले थकाता है उसके बाद मारता है। देखना ये इस कुश्ती में क्या होने जा रहा है। रेफरी भी भाई कुश्ती का पूरा आनंद लेते हुए, जनता भी बैठी है देख रही है क्या होना है कुश्ती में, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, सब सोच में पड़ रहे हैं कुश्ती में क्या होगा, क्योंकि खतरनाक पहलवान मिल गया है देवा थापा को। सभी जनता शांति से बैठी है। ये पलट गया, लग गया भाई दोनों मोंडे, बच गया भाई। ये देवा थापा पहलवान खतरे में, और ये खतरे में खुशाली मुंडी, मुंडी खुशाली है,
बहुत बढ़िया देवा थापा पहलवान, मुंडी फंसा लिए ग्वालियर के पहलवान की हो रही है पूरी कोशिश, लेकिन देवा थापा को यहाँ दोनों कमर भी लग सकते हैं अगर। बहुत बढ़िया भाई देवा थापा पहलवान बहुत बढ़िया था, और ये धोपी दो धोपी तीसरी भी और ये चौथी बहुत बढ़िया मट्टी डाल दी यार, बहुत गलत भाई बहुत। ये रेफरी क्या कर रहा है, अभी पागलों की तरह देख रहा है रेफरी, मट्टी डाल दी उसकी आंखों में। पहलवान कह रहा है टाइम हो गया कुश्ती का, चार पांच धोपी खाने कह रहा है टाइम हो गया, अभी तो मैदान में आ गई अभी एक मिनट और बाकी, नहीं हुआ भाई टाइम नहीं हुआ यार, अभी एक मिनट बाकी है। देवा थापा पहलवान के आंखों में मट्टी डालती यार रेफरी, बिल्कुल बेकार रेफरी, आधा स्वाटर वाला रेफरी बिल्कुल बेकार है, एक तरफ निकाल लो यार बाहर। अब लाल टी शर्ट वाला नया रेफरी फिर से देवा थापा अपनी फॉर्म में, पूरे जोर लगाता हुआ बड़ा पहलवान देवा थापा ने ये तीर लगाया था, और ये एक धोबी और दो धोबी, ये मारी पट्टी घर तो ये फिर मट्टी। अपील करता हुआ कुश्ती का समय बराबर भाई, कुश्ती बहुत जबरदस्त थी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई अभी तक। ये कुश्ती कल होगी, कल दिखाएंगे मुकाबला कैसा रहता है, वीडियो को लाइक कर देना भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।